नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से अगर आप क्वालिफिकेशन करने की सोच रहे हैं या उससे रिलेटेड आपके मन में सवाल है, कोई शंका है, तो आज की ये वीडियो आपके हर सवाल का जवाब देकर ही जाएगी। अगर कोई सवाल रह गया तो कमेंट कर दीजिएगा, एक नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्यूरी जो है वो सॉल्व कर दी जाएगी। तो फिलहाल हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे धड़ाकेदार बेनिफिट के बारे में जो आपको मिल सकते हैं NIOS के थ्रू अगर आप अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, बने रहिए मेरे साथ, कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। मेरा नाम है साजन कुमार और आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब अर्जे। सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा बेनिफिट अगर आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से अपनी स्कूलिंग करते हैं तो वो आपको ये मिलता है कि आप इस बोर्ड के थ्रू अगर क्वालिफिकेशन अपनी 10वीं पास करना चाहते हैं तो चाहे आप 9th में फेल है तब भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप डायरेक्ट 10th करना चाहते हो और आप 9वीं फेल हो चुके हो तो आप कर सकते हो इंस्टीट्यूट के थ्रू। इसी के साथ अगर आप 11वीं फेल है तो आप 12वीं जो है इस इंस्टीट्यूट के थ्रू कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा पहला बेनिफिट है जो आप लोगों को मिलता है। तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है इस वीडियो पे, और कैसी लगा ये आपको बेनिफिट कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले बेनिफिट की तरफ, तो वो ये, इस बोर्ड के थ्रू अगर आप अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको साल में 2 मौके मिलते हैं। इसका एग्जाम एक तो अप्रैल में होता है और दूसरा दिसंबर में होता है, और अगर डिमांड करें तो बीच में भी हो सकता है, वो आप पे निर्भर करता है। तो जाने कि इस बोर्ड के थ्रू आपको 2 बार मौके मिलते हैं एक साल में अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने का, तो ये बेनिफिट भी काफी अच्छा लगा मुझे। तो आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तीसरे बेनिफिट की तरफ यहां पे हम बढ़ते हैं, तो वो ये है कि भाई जो लोग अगर अपनी क्वालिफिकेशन के साथ साथ अपनी जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए ये बोर्ड बहुत अच्छा है, घर बैठे आप अपनी स्टडी इसके थ्रू कर सकते हैं। और चौथा बेनिफिट ये है कि जिन लोगों के पास इनफ मनी नहीं है, ज्यादा पैसा नहीं है कि जो CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड के थ्रू अपनी एजुकेशन कर सके, वो अगर इस बोर्ड से करते हैं तो उनको काफी कम खर्चा जो है इस बोर्ड के थ्रू आता है, और आप लोगों को इसका बेनिफिट जो है फीस का वो मिल जाता है यहां से अगर आप क्वालिफिकेशन अपनी कंप्लीट करते हैं। तो ये रहे 4 बेनिफिट। अगले बेनिफिट की तरफ बढ़ते हैं, 5वें। तो उससे पहले बता दूं कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया हुआ है। 5वां जो आपको बेनिफिट यहां पे मिलता है वो दोस्तों ये कि ये बोर्ड CBSE की तरह ही ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है। इस कोर्स को करने के बाद अगर आप कोई भी डिग्री, कोई भी कोचिंग, कोई भी आप टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये बोर्ड वैलिड है। कुछ इंस्टीट्यूट, कुछ यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं जो आपको वैलिड ना माने, लेकिन उनका भी एक एंट्रेंस होता है, अगर आप वो दे दें तो आप आगे जो फर्दर स्टडी है वो अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात कहूं तो इसका बेनिफिट ये है कि इसके थ्रू स्टडी करने के बाद आप कोई भी कोर्स, कोई भी अब स्टडी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और इसका जो 6वां बेनिफिट आपको मिलता है वो दोस्तों ये कि आप इसके थ्रू कोई भी गवर्नमेंट जॉब, कोई भी सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो वो मिल जाती है। ये बोर्ड ऑर्गेनाइज्ड बोर्ड है, हर स्टेट का एक ओपन स्कूल होता है, आप लोगों ने सिर्फ ये देखना है कि वो ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं है। जो जिस बोर्ड से आप अपनी ये क्वालिफिकेशन करने जा रहे हैं बस वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। तो भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के ये थे कुछ 6 धमाकेदार बेनिफिट जो आप लोगों को बताए हैं। कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के और भी अपडेट पाने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। समझ आया क्या?